हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो दिस इज योर टीचर पूजा सहानी एंड आई एम हेयर विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नंबर 11 इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अभी हमने एडजेक्टिव्स पढ़े प्रीवियस चैप्टर में, ओके, और एडजेक्टिव्स के काइंड्स भी पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर. अब हम इसमें सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव चैप्टर और हम इसमें सीखने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ओके. सो When we compare two nouns with the same quality, जब हम सेम क्वालिटी के दो nouns को कंपेयर करते हैं, we use the ER form of adjective. Okay? This form of comparison is called the comparative degree. Okay? जब हम एक जैसी क्वालिटी के दो nouns को बच्चों कंपेयर करते हैं, तब हम ER form of adjective को use करते हैं और इस तरह की degree को कहते हैं, इस तरह के comparison को कहते हैं comparative degree, right? Some adjectives take more before them to show comparisons. कुछ comparisons में, कुछ comparing करने में, कुछ words के आगे हम लगाते हैं more, okay? So, now read these sentences. निखिल इज स्मार्टर देन विकास. अब निखिल भी स्मार्ट है और विकास भी स्मार्ट है, लेकिन हमें ये बताना है, हमें कंपैरिजन करना है कि निखिल ज़्यादा स्मार्ट है. तो हमने स्मार्ट में क्या लगा दिया बच्चों? ई आर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. सो ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री. निखिल इज स्मार्टर देन विकास. दियाज डेस्क इज नीटर देन रियाज. रियाज, दियाज, आपको याद होगा ये क्या है? एपोस्ट्रॉफी एस, ओके. सो ये शो कर रहा है डेस्क की बिलोंगिंगनेस दिया और रिया के साथ. अब दोनों की डेस्क क्या है? नीट है, लेकिन हमें दिखाना है कि दिया की डेस्क ज्यादा नीट है. तो हमने कहा दियाज डेस्क इज नीटर देन रियाज. द ब्लू ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन द रेड वन. सो द ब्लू ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल. अब ब्यूटिफुल में हम ब्यूटिफुलर नहीं लगा सकते, सो हम उसके आगे लगाएंगे मोर ब्यूटिफुल. द चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट देन द गोरिल्ला. अब दोनों इंटेलिजेंट है, चिंपैंजी भी इंटेलिजेंट है और गोरिल्ला भी इंटेलिजेंट है, लेकिन हमें दिखाना है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है. तो हम कहेंगे मोर इंटेलिजेंट देन द गोरिल्ला, ओके. चलिए, नाउ स्टडी द टेबल केयरफुली. आपको इसे केयरफुली स्टडी करना है. ये है पॉजिटिव डिग्री. जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम वहाँ यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री को, और जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को. टॉल, टॉलर. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल. स्मार्ट, स्मार्टर. हैंडसम, मोर हैंडसम. डिलीशियस, मोर डिलीशियस. क्विक, क्विकर. नाइस, nicer. So most words में तो बच्चों हम er लगा देते हैं, लेकिन कुछ words ऐसे होते हैं जिनमें er नहीं लगता. क्या लगता है? More. Okay? चलिए exercise start करते हैं. Fill in the blanks with the correct form of adjective given in the brackets. Remember to use then after the adjective. हमेशा आप याद रखेंगे कि जब कंपैरेटिव डिग्री में आप कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे देन का, ओके. सो यहाँ पर वर्ड आपको दिया हुआ है नियर. माय हाउस इज नियरर टू द मार्केट देन योर्स. माय हाउस इज नियरर टू द मार्केट देन योर्स, ओके. चलिए आगे चलते हैं. यस, हर ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन, ओके. हर ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन. मैंगोज आर स्वीटर देन
then oranges. Rahul is more intelligent than Rohit. This shoe is cleaner than that one. This table is heavier. H-E-A-V-I-E-R. इसमें हम यहाँ पे Y हटा देंगे और बन जाएगा this table is heavier than that one. So ये होता है बच्चों comparative degree. इसमें हम use करते हैं ER और जहाँ ER नहीं use कर सकते वहाँ use करते हैं more. और comparison जब हम दो चीज़ों के बीच में show करते हैं तो हमें वहाँ पर लगाना है then. Okay? चलिए आगे चलते हैं. Yes, when we compare three or more nouns with the same quality. अब हम जब दो same quality के nouns को compare करते हैं तो हम comparison करते हैं comparative degree में. Okay, er लगाते हैं, more लगाते हैं, then लगाते हैं. लेकिन जब हम तीन same quality के nouns का comparison करते हैं या उससे ज़्यादा same quality के nouns का comparison करते हैं so we use est form of adjectives. To show that the noun has the highest degree of that quality. तो हम EST लगाते हैं और ये दिखाते हैं कि इसके पास इस quality की highest degree है, सबसे ज़्यादा. This form of adjective is called superlative degree, right? We use the only for the superlative degree. Superlative degree में हम the लगाते हैं और एडजेक्टिव दैट टेक मोर इन द कंपैरेटिव डिग्री टेक मोस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री में हम जिन एडजेक्टिव्स के आगे मोर लगाते हैं सुपरलेटिव में वो क्या हो जाते हैं मोस्ट. ओके तो एग्जांपल देखते हैं. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस. देन नहीं लगता यहाँ पर. ओके द लग जाता है बिकॉज ये सबसे सुंदर ड्रेस है. इसमें क्वालिटी सबसे सुपर है. ओके सो ये सुपरलेटिव डिग्री है. द चिंपेंजी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द एनिमल्स. रियाज डेस्क इज द नीटेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स. निखिल इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास. मतलब निखिल से ज्यादा स्मार्ट क्लास में कोई और बॉय नहीं है. ओके चलिए आगे चलते हैं. नाउ स्टडी द टेबल केयरफुली. एलिगेंट मोर एलिगेंट मोस्ट एलिगेंट. कंपैरेटिव डिग्री में आ गया मोर एलिगेंट और सुपरलेटिव डिग्री में आएगा मोस्ट एलिगेंट. हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम. फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. क्विक क्विकर क्विकेस्ट. डिलीशियस मोर डिलीशियस मोस्ट डिलीशियस. ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल. सो चिल्ड्रन आपको ये सब बच्चों लर्न करना है. ओके अगर आपको ये डिग्रीज लर्न हो जाएंगी तो आपके लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा. अब आपको यहाँ पर क्या करना है. एनसर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर ईच सेंटेंस. बाइसिकल्स आर डैश देन बाइक्स. अब यहाँ पर देन आ गया तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है. सो क्या आ जाएगा यहाँ पर स्लोअर. ओके ही इज द डैश मैन इन द सिटी. अब सिटी में रिच बताना है सबसे ज्यादा रिच है सबसे ज्यादा है. सो रिचेस्ट मैन बिकॉज सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं. सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं बच्चों ई एस टी और कंपैरेटिव में ई आर. ओके फेब्रुअरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर. शॉर्टेस्ट सबसे छोटा महीना होता है साल का तो शॉर्टेस्ट. आई एम द डैश इन माई फैमिली टॉलेस्ट. ओके माई हाउस इज द डैश अमंग ऑल द हाउस सो लार्जेस्ट. ओके चलिए आगे चलते हैं क्यों इसमें एक ही कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था बिकॉज उसमें था देन. ओके सो वी गो अहेड. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट. सो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म डालनी है एडजेक्टिव्स की. The highway is dash then the road that runs beside it. So then आ गया यहाँ पर. So the highway is longer than the road. Okay, comparative degree होगी. The puppy is big than the kitten. Then आ गया comparative degree. So you will write the puppy is bigger than the
kitten. Indian Ocean is dash than the Pacific Ocean. So Indian Ocean is larger than the Pacific Ocean. Kolwa Beach is dash than Baga, cleaner. Cleaner. This year summer is dash than it was last year. Then आ गया तो सारे अभी तक हमारे comparative degree के आ रहे हैं hotter. Bala is very dash today, happy today. Yes, यहाँ पर कोई comparison नहीं है तो happy का simple happy आ जाएगा. Prabhat is the dash boy in the class. अब पूरी class में क्या है small, so आ जाएगा smallest. Okay, Ooty is dash then Patna, cooler. Cooler, right? Birbal was the dash man of his time, wisest. सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था अपने टाइम का, wisest. His cat is very dash by nature. कोई comparison नहीं है. ओके सो आगे चलते हैं बच्चों. आई होप कि ये डिग्रीज आपको सब क्लियर हो गई होंगी, राइट? इंटरप्रिटेशन. सो हेयर इज द इंटरप्रिटेशन. वी एड ई आर और मोर टू कंपेयर टू थिंग्स. जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, हम यूज करते हैं ई आर और मोर को. एंड वी एड ई एस टी और मोस्ट टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स. और दो से ज्यादा चीजों के कंपेरिजन में हम क्या लगाते हैं, ई एस टी या मोस्ट. ओके नाउ वी हैव टू कंप्लीट द टेबल. चलिए इसे करते हैं. एक्सपेंसिव कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा, मोर एक्सपेंसिव. ओके और सुपरलेटिव में क्या आएगा बच्चों, मोस्ट एक्सपेंसिव. राइट, क्लियर? फेमस, मोर फेमस और यहां पर मोस्ट फेमस. ओके इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके चार्मिंग, मोर चार्मिंग और यहां पर मोस्ट चार्मिंग. ओके ड्रेडफुल, मोर ड्रेडफुल और यहां पर आ जाएगा मोस्ट ड्रेडफुल. ओके इधर ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, इसी तरह से मोस्ट ब्यूटिफुल. ओके सो आई होप कि ये कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अब आपको क्लियर हो गई होगी. और उसके लिए इट्स बेटर कि आप इनको लर्न करें कि किसके आगे मोर आएगा और किसके आगे ई आर ई एस टी लग के डिग्रीज चेंज होंगे, राइट? चलिए वी गो अहेड. Yes, this is the listening and speaking topic from your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series. और ये है introductions and greeting. जब हमें किसी को अपना बच्चों introduction देना होता है या किसी को greet करना होता है, किसी से मिलना होता है, किसी को wish करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, चलिए पढ़ते हैं. Read this conversation. Conversation 1. Ashu, hello. Can I help you? क्या मैं आपकी help कर सकता हूँ? Are you looking for someone? क्या आप किसी को देख रही हैं? Boy, oh yes, please. My name is Vinayak. मेरा नाम विनायक है. I study in New Blossom School down this road. मैं इस सड़क के नीचे जो New Blossom School है वहाँ पढ़ता हूँ. I'm looking for my cousin Manohar. मैं अपने cousin को देख रहा हूँ, Manohar को. Can you help me find him? क्या आप मुझे उसे ढूँढने में help कर सकती हैं? Ashu, My name is Ashu. मेरा नाम आशु है. I know Manohar. मैं मनोहर को जानती हूँ. He is in the third standard. वो third standard में है.
आई विल टेक यू टू हिम, मैं आपको उसके पास ले जाऊंगी। विनायक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो विनायक उसको थैंक्स करता है। चलिए आगे चलते हैं, कन्वर्सेशन टू है यहाँ पर। गर्ल कहती है, हेलो इशिका, नाइस टू मीट यू, डू यू रिमेम्बर मी, क्या आप मुझे, मैं आपको याद हूँ। इशिका, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, यू आर जैस्मिन, आंट यू, तुम जैस्मिन हो, है ना। वी हैवेंट मेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत टाइम से नहीं मिले। जैस्मिन, वी वर इन के जी टुगेदर, डू यू रिमेम्बर, तुम्हें याद है हम के जी में एक साथ थे। इशिका, ऑफ कोर्स आई डू, बिल्कुल मुझे याद है। What fun we had together, हमने कितना मज़ा किया था एक साथ। So बच्चों, ये एक तरीका होता है एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से पहचान करने का, विश करने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का, दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने का। चलिए अब आपको क्या करना है, चार चार बच्चों का ग्रुप बनाना है और इन सिचुएशंस पर ऐसे ही बात करनी है। टू ग्रुप्स दैट मीट एट अ पिकनिक स्पॉट, आपको ऐसे बात करनी है कि आप दो ग्रुप के बच्चे हो और आप एक पिकनिक स्पॉट पर मिले हो। टू पीपल हु नो ईच अदर मीट इन अ मॉल, आप किस एक दूसरे को जानते हो और आप अचानक से कहाँ मिले हो, मॉल में मिले हो। पीपल हु डोंट नो ईच अदर वेल बट मीट इन अ लोनली फ्राइटनिंग प्लेस एंड हेल्प ईच अदर, या फिर आपको ऐसे बात करनी है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो लेकिन एक बहुत ही लोनली और फ्राइटनिंग जगह पर मिले हो और आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। ओके, सो इस तरह से आप एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना सीख जाओगे, अपना नाम बताना है, क्या आपको हेल्प चाहिए, या आप किसी से पूछें कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। सो आप इन कन्वर्सेशंस की मदद ले सकते हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।